मधेपुरा जिला में बढ़ते अपराध लूट हत्या को रोकने में विफल मधेपुरा प्रशासन। वहीं दूसरी तरफ वाहन चेकिंग के नाम पर हर रोज शहर के अलग अलग जगहों पर सैकड़ों आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आज जन अधिकार छात्र युवा और महिला परिषद के द्वारा कर्पूरी चौक से जिला समरणालय तक जन आक्रोश मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बालमगढ़िया के मुखिया डॉक्टर अनिल अनल ने किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम, जिसमें बड़ी संख्या में महिला युवा छात्र मौजूद रहे। आंदोलनकारी सभी कार्यकर्ता मधेपुरा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पैदल मार्च कर रहे थे। समरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी किया। बाद में शीर्ष नेताओं ने जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। युवा अध्यक्ष प्रिंस गौतम और गौरव गोपी ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले ही जनता पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से शहर के बीचों बीच अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग करने के नाम पर चालान काटती पुलिस नजर आती है, जिससे आम जनता त्रस्त हो रहे हैं। वहीं महिला नेत्री नूतन सिंह ने कहा कि जिस पुलिस को जनता की सुरक्षा व्यवस्था और शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नियुक्त किया गया है, जब वही पुलिस जनता को परेशान करे, खासकर महिला पुलिस, तो जनता बेचारी क्या करेगी। वीवी अध्यक्ष अमन कुमार, रितेश कुमार और जिला अध्यक्ष रोशन कुमार बिट्टू ने कहा कि हम लोग वाहन चेकिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं। वाहन चेकिंग हो, लेकिन जिला मुख्यालय के सीमा पर, जिससे स्थानीय आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं लोग बीमार लोग भी परेशान हो जाते हैं। नगर अध्यक्ष सामंत यादव और युवा रंजन ने कहा कि दुनिया का एकमात्र मधेपुरा प्रशासन है कि शहर के बीचों बीच एकमात्र सड़क पर 1 किलोमीटर के अंदर 4 जगह चेकिंग करती है, जिससे स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलना भी बेहाल बना हुआ है, जिसके कारण बाजार मंदी रहता है।